अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्म शरी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं एंग्री शेरी। क्या आज़रबैजान में वर्क परमिट फ्री हो गए हैं वाकई? इसे जानने के लिए ये ऑडियो क्लिप सुनिए, फिर पार्क में जाके बैठते हैं और वीलॉग कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैंने सुना आज़रबैजान के कंपनीज अब फ्री वीज़े दे रही हैं, क्या इस बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं? जी अच्छा, मेरा ना एक फ्रेंड है, वो उसने मुझे बताया था, वो दुबई से अभी अभी आया, तो उसने वहाँ कहीं इंफॉर्मेशन सुनी थी, तो मुझे कह रहा था कि मुझे कंफर्म कर दो तो फिर अप्लाई करते हैं। सो चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑडियो क्लिप आपने सुन लिया है, अब मैं आपको एक थोड़ा सा वीडियो क्लिप भी दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको चैनल के बारे में बता दूँ। मैंने चैनल स्टार्ट किया था व्लॉगिंग के लिए, लेकिन जूँ जूँ यहाँ टाइम गुजरा, देखा यहाँ के हालात, तो मैंने सोचा कि आपसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँ रेजिडेंस के हवाले से। तो पहली वीडियो बनाई, उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, 300 प्लस सब्सक्राइबर हो गए उस वीडियो पे। फिर दूसरी वीडियो बनाई, उस पर भी 200 प्लस सब्सक्राइबर हुए। फिर तीसरी वर्क परमिट के हवाले से बनाई, उसके भी तकरीबन 800 प्लस सब्सक्राइबर हो गया। तो आई थॉट कि अब मैं दोनों चीज़ें एक ही चैनल पे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया, व्लॉगिंग के लिए सेपरेट चैनल कर दिया, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि दोनों चैनल को एक साथ लेके चला जाए। तो अब सिर्फ यही चैनल होगा एंग्री शेरी, इस पर मैं इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स भी बनाऊँगा और ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी बनाऊँगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मुझे फेसबुक पे एक लड़के ने कॉन्टेक्ट किया और पूछा कि भाई हमें ये न्यूज़ मिली है कि वर्क परमिट आज़रबैजान के फ्री हो गए हैं। तो मुझे काफ़ी हैरत हुई और मैंने कहा लेट्स स्टार्ट डिगिंग। तो मुझे सिर्फ ये एक ही वीडियो क्लिप मिला है फ्री वर्क परमिट के हवाले से, और फिर मैंने यहाँ कुछ लॉ फर्म्स जो हैं आज़रबैजान में रजिस्टर्ड उनको भी कॉन्टेक्ट किया है। उनमें से एक का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बड़ी अच्छी लॉ फर्म है और उनने बड़ी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। अगर आप आज़रबैजान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वर्क परमिट के हवाले से, TRC के हवाले से, और वही इन्फॉर्मेशन मैं पहले व्लॉग्स में भी बताता रहा हूं, तो आप उसको ज़रूर विज़िट कीजिए। और वहां पे मेंशन भी था कि जो एम्प्लॉयर है अगर वो वर्क परमिट अप्लाई करना चाहता है तो उसकी कॉस्ट होती है तकरीबन 1000 से 1200 या 1400 मनात एक एम्प्लॉय के लिए, और जो वर्क परमिट है वो अप्लाई भी सिर्फ एम्प्लॉयर करेगा, कोई एम्प्लॉय खुद नहीं कर सकता। इसलिए आपको ई वीज़ा जो मिलता है 30 डेज़ का वर्क परमिट का, वो 30 डेज़ का मिलता है। आप यहाँ आते हैं और फिर आपका वर्क परमिट अप्लाई होता है और उसके बाद TRC अप्लाई होती है। तो ये न्यूज़ काफ़ी स्पेकुलेट कर रही थी, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैंने कहा आपसे मैं बगैर टाइम वेस्ट किए, और ट्रैवलिंग व्लॉग्स मेरे बहुत हैं लेकिन उनको मैंने साइड पर रख के मैंने कहा पहले ये व्लॉग छोटा सा बना लूं और आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी मैं इन्फॉर्मेशन इस पर डालता रहूँगा जो अभी मेरे पास पाइपलाइन में है। ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग आज़रबैजान, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स पे भी इंग्लिश वीडियो बनाऊंगा, और वर्क परमिट की मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, और आज़रबैजान का ई वीज़ा अगर आपको कोई देता है तो उसको वेरीफाई भी करना है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।